वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर. डियर स्टूडेंट्स, इन अवर क्लास फोर NCERT मैथ्स मैजिक बुक, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज टेबल्स एंड शेयर्स. तो टेबल्स का मतलब क्या होता है? टेबल्स मतलब दिख रहा होगा आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेबल्स हैं ये, है ना. इन दोनों में कुछ आपको डिफरेंस आराम से दिखाई दे रहे होंगे. तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो देखिए, पहला है आपके पास अरेंज 8 आइसक्रीम्स इन डिफरेंट पैटर्न. सपोज कीजिए मैंने आप में से हर एक बच्चे को 8 आइसक्रीम्स दे दी है, ठीक है, और कहा इन 8 आइसक्रीम को लेके आपको एक पैटर्न्स बनाने, डिजाइंस बनाने. तो आप कैसे डिजाइंस बना सकते हो, कितने तरीके हो सकते हैं आपके पास डिजाइन बनाने के. तो चलो सबसे पहले हमारे पास, मैंने एक लड़का है अर्णव, उसको बोला तो अर्णव ने देखिए कैसा डिजाइन बनाया. ये देखिए अर्णव ने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाया, 4 आइसक्रीम्स ऊपर और 4 आइसक्रीम्स नीचे, ठीक है. दूसरा एक लड़की थी कविता, उसने इस तरीके से बनाया 2 आइसक्रीम्स को लेके, हो गई 8 आइसक्रीम्स. तीसरा एक और बच्चा था हमारे पास नसीम, उसने क्या किया, 8 आइसक्रीम्स को उसने एक की लाइन में लगा दिया, बन गया पैटर्न. और एक और लड़की थी, उसका नाम था दिव्या, देखिए दिव्या ने क्या किया, उन 8 आइसक्रीम्स को एक कॉलम्स में ऐसे लगा दिया लंबाई में. तो देखिए क्लास के 4 बच्चों ने उन जो 8 आइसक्रीम्स थी उनको लेके अलग अलग तरीके से पैटर्न्स बना दिए, डिज़ाइन बना दिए. तो कोई भी रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल करेक्ट तरीके से इन्होंने अपने अपने पैटर्न्स बनाए हैं. तो आप लोग भी इन पैटर्न्स को समझ सकते हैं कि पैटर्न किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन अलग से दोबारा देते हैं, आप लोग इसे अपनी कॉपी में अपने आप करिएगा. अरेंज 6 फ्लावर्स इन अ गार्डन. आपके पास 6 फ्लावर्स हैं, आपको उनको गार्डन में लगाना है. किस तरीके से लगा सकते हैं तो ये आप अपने आप बताइएगा. एक मैं आपको बता सकती हूँ कि एक बच्चे ने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 के 6 फ्लावर्स एक लाइन में लगा दिए, बिल्कुल सीधी लाइन में. एक बच्चे ने क्या किया, लंबाई में लगा दिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. और क्या तरीका हो सकता है बताइए. एक बच्चे ने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 3 ऊपर और 3 नीचे लगा दिए. नेक्स्ट बच्चे ने क्या किया, 2, फिर 2 और फिर 2 6 इस तरीके से लगा दिया. तो ये बच्चा भी गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. तो देखिए मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दिए हैं, एक है 8 फ्लावर्स का, 8 आइसक्रीम्स का एग्जांपल दिया अभी मैंने आपको, और दूसरा एग्जांपल मैंने आपको किसका दे दिया है, 6 फ्लावर्स का दे दिया. लेकिन मैं इतनी जल्दी कैसे ये पैटर्न बना दे रही हूँ, इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. देखिए सबसे पहले 8 आइसक्रीम्स की हम बात करेंगे. तो ये जो 8 आइसक्रीम्स है, अगर आप इसको दिखाने, आपसे बोला जाएगा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाइए, तो आप किस तरीके से इसको दिखाएंगे, इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं. आपको भी लिखना है बेटा, आपको लिखना है यहाँ पे 2 × 4. इसको लिखने का तरीका है 2 × 4. अच्छा ये किस तरीके से है, मैं इसे 2 × 4 क्यों बोला, ये इस तरीके से लिखा जाता है, हमेशा रोज पहले लिखी जाती हैं फिर कॉलम लिखे जाते हैं. इसमें कितनी रोज मतलब होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये देखिए ये जो होती है ना, इन्हें रो कहते हैं. ये हो जाएगा आपके पास रो नंबर 1, ये हो जाएगी रो नंबर 2, ये हो जाएगी रो नंबर 3, इन्हें कहते हैं रोज, ठीक है. और कॉलम्स किन्हें कहते हैं, ये जो लंबाई में होती हैं 1, 2, 3, 4, ये सब कॉलम्स होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉलम्स, याद रखिएगा कॉलम्स, ठीक है. तो ये होती है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4. तो ये रो और कॉलम आपको समझ आ गया. तो चलिए हमने आपको क्या कहा, पहले रो लिखी जाती है फिर कॉलम. तो आप देखेंगे इसमें कितनी रो है, तो ऐसी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो ये देखेंगे आप रो नंबर 1, रो नंबर 2, तो 2 इसमें रो है, तो 2 रोज आप पहले लिखेंगे क्रॉस. कॉलम कितने हैं, यानी कि लंबाई में, ये देखेंगे 1, 2, 3, 4 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम हमने लिख दिए. तो चलिए अब हम सेकंड वाले को लिखेंगे. इस वाले को बताइए, मैंने आपसे क्या बताया था, पहले रो लिखी जाती है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, काउंट करेंगे, ये देखेंगे 1, 2, 3, 4 इसमें 4 रोज है, तो 4 रोज पहले लिख दिया. कॉलम कितने हैं आपके पास, 1, 2, तो इसे हमने लिखा 4 × 2. क्लियर हो गया बेटा, याद रखिएगा पहले रो लिखनी है उसके बाद कॉलम लिखना है. थर्ड वन देखिए,
इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखा जाता है? रोज पहले लिखी जाती है। कितनी रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी लाइन है? इसमें एक ही लाइन है तो इसमें एक ही रो है। कॉलम कितने हैं? कॉलम मतलब लंबाई में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें 8 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ नंबर वाले में। इसमें बताइए रोज काउंट करेंगे, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें है आपके पास 8 रोज और कॉलम कितने हैं? ओनली 1, तो इसे लिखूंगी मैं 8×1। समझ आया सभी बच्चों को? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्लावर वाले में। तो इसमें किस तरीके से लिखेंगे? रोज काउंट करिए पहले, ओनली 1 रो है, कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कॉलम ना बेटा लंबाई में ऐसे करके काउंट होता है वर्टिकल, ठीक है, और रोज होती है हॉरिजॉन्टल, ऐसे जो स्लीपिंग लाइंस होती हैं उसे कहते हैं हम रोज। तो पहले स्लीपिंग लाइंस काउंट करनी है और उसके बाद आपको स्टैंडिंग लाइंस काउंट करनी है, ठीक है। तो चलिए इस वाले को काउंट करें, इसमें स्लीपिंग लाइंस देखें हम लोग कितनी स्लीपिंग लाइंस हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्लीपिंग लाइंस यानी कि 6 रोज, और स्टैंडिंग लाइन कितनी है इसमें? ओनली 1 यानी कि 1 कॉलम। इसको देखते हैं कितनी रोज हैं, 1, 2 रोज, कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3 कॉलम्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, रोज कितनी है? 1, 2, 3 रोज और कॉलम कितने हैं? 1, 2 कॉलम्स। तो ये हमने अलग अलग पैटर्न्स को मैथमेटिकल फॉर्म में अरेंज कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रीअरेंज द गिवन पैटर्न। आपको पैटर्न दिया हुआ है, इसको अरेंज दोबारा बनाना है, मतलब आपके पास एक डिज़ाइन बना हुआ है, ये स्टार्स गिवन है और इन स्टार्स को लेके आपको अपना डिज़ाइन बनाना है, लेकिन स्टार्स इतने ही रहने चाहिए। कितने स्टार्स हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 स्टार्स हैं। तो इन 12 स्टार्स को लेकर ही आपको, याद रखिएगा, इन्हीं 12 स्टार्स को लेकर आपको अपना डिज़ाइन बनाना है, लेकिन आपका डिज़ाइन थोड़ा सा इससे डिफरेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग जनरेट कर देते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म आपको ज़रूर जनरेट करना है, यानी कि रोज़ और कॉलम कितनी रो हैं इसमें? 1, 2, 3 रोज़ यानी कि 3 स्लीपिंग लाइन्स हैं, है ना। कॉलम कितने हैं? स्टैंडिंग लाइंस देखिए, 1, 2, 3, 4, तो ये बना दिया है इसका पैटर्न। ये तो क्वेश्चन वाले ने अपना पैटर्न बनाया है, हमने इसका अपना पैटर्न बनाना है। तो सबसे पहले इसने 3×4 बोला है, हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, 4×3, तो आप किस तरह से बनाइएगा? 4×3 यानी कि 4 रोज आपके पास होनी चाहिए और 3 कॉलम, ओनली 3 कॉलम बनाने हैं आपको। ये देखिए, थ्री सिक्स थ्री नाइन और थ्री ट्वेल्व काउंट जरूर करिएगा, 12 से ज्यादा ना हो। तो देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 4 रोज और 3 कॉलम हो गए, तो ये हमारा एक पैटर्न बन चुका है, ठीक है। दूसरा पैटर्न आप बना सकते हैं 12 स्टार्स को लेके, क्या बन सकता है हमारे पास 12, यानी कि हमें ये देख सकते हैं बेटा इसके लिए कि 12 किस किस की टेबल में आता है। 3, 4 जा 12, तो 3 की टेबल में तो इसने बता दिया, 4 की टेबल में हमने बता दिया, अच्छा 1 की टेबल में भी तो आता है ना। 1 की टेबल में कैसा आएगा? 1, 12 जा 12, ठीक है, यहाँ से भी आता है, तो 1×12, यहाँ से आपको पैटर्न मिल गया, यानी कि 1 रो और 12 कॉलम्स होनी चाहिए। ये देखिए 1 रो और 12 कॉलम्स, एक पैटर्न और बन गया। बस इसका तरीका, बेस्ट तरीका ये होता है बेटा कि आपको ये देखना है वो किस किस की टेबल में कैसा आ रहा है। 12 अपनी टेबल में भी आता है, यानी कि 12×1 जा 12 भी होता है, यानी कि 12 रो और 1 कॉलम, इसका मतलब आप किस तरह से बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये देखिए 12 रोज हो चुकी हैं, 1, 2, 3, 4 करके 12 रोज और 1 कॉलम, और 12 देखो 1 की टेबल में आ गया। क्या 2 की टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है, एक और पैटर्न आपके पास आ गया है। 2 की टेबल में 12 कैसे आता है? 2×6 जा 12 आता है, तो 2×6 जा, ये बन गया एक और पैटर्न, यानी कि 2 रोज होनी चाहिए, 6 कॉलम होनी चाहिए, 2 रोज और 6 कॉलम,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बन गया, दो रो है और 6 कॉलम है। टू तो देखिए 1 की टेबल में आ गया, 2 की टेबल में आ गया, 3 की टेबल में तो 3 की टेबल में उसने गिवन था, 4 की टेबल में आ गया, 5 की टेबल में 12 नहीं आता, 6 की टेबल में 12 आता है। कैसे आता है? 6 2 जा 12, यानी कि 6 रोज और 2 कॉलम। कैसे जनरेट करेंगे हम? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 रोज और 2 कॉलम हमने बना दी, 6 2 जा 12, 6 की टेबल में आ गया, 7 8 9 10 11 की टेबल में नहीं आता और 12 की टेबल में 10 बन जा 12। तो देखिए क्वेश्चन में एक पैटर्न दिया था 3 मल्टीप्लाई बाई 4 का, हमने उसको अपने आप कितने पैटर्न 1 पैटर्न 2 पैटर्न 3 पैटर्न 4 और पैटर्न 5, 5 पैटर्न हम अपने आप जनरेट कर सकते हैं। तो बेटा आप सबको ये अपनी कॉपी में करना है, एक ये वाला क्वेश्चन करना है और एक ये वाला सेकंड नंबर, ये और थर्ड नंबर, ये 3 क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो उसके अलावा मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ। तो बेटा यह है आपके लिए होमवर्क, मेक योर ओन डिजाइंस यूजिंग 10 फ्लावर्स, 10 फ्लावर्स को लेकर आपको अपना डिज़ाइन बनाना है और 16 टॉफीज को लेकर आपको अपना डिज़ाइन बनाना है। इसको बनाने का तरीका, 10 फ्लावर्स का मतलब 10 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आएगा, 1 10 जो 10, 2 की टेबल में आएगा, 2 5 जो 10, उसके बाद 3 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 5 2 जो 10, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो पैटर्न्स आप यहाँ से आराम से बना सकते हैं, 1 की टेबल में यानी कि 1 रो 10 कॉलम, 2 की टेबल में 2 5 जो 10, 2 रो 5 कॉलम, 5 की टेबल में 5 2 जो 10 होता है, 5 रोज 2 कॉलम है ना, उसके बाद सीधे 10 की टेबल में 10 1 जो 10, 10 रोज और 1 कॉलम। देखो 4 पैटर्न आप बना सकते हैं। उसी तरह से 16 किस किस की टेबल में आता है आप अपना पैटर्न बना दीजिएगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।